हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं आज दिसंबर 2012 का पेपर लेके आई हूँ। एंड इन दिस वन वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू। आपको ये क्वेश्चन नंबर टू का न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे, सो दे हैव गिवन कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉयज ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप। ओके, सो इमोशनल इंटेलिजेंस का आपको स्कोर दिया हुआ है एंड लीडरशिप का आपको स्कोर दिया हुआ है। एंड यू हैव टू फाइंड रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए लिया है बिकॉज पीपल गेट कंफ्यूज। अगर रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया है, इट मींस क्या निकालें, स्पियरमैन निकालें या पियर्सन निकालें? सो व्हेन इट इज मेंशन दैट रैंक कोरिलेशन, सो वी नो दैट इट इज स्पियरमैन रैंक कोरिलेशन। फाइन, आपको स्पियरमैन का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड इट इज फॉर 10 मार्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप पहले तो लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के सीरियल नंबर में, बिकॉज दिस दे हैव गिवन टू यू। आपको कितने लोगों का डाटा दिया है टिल के, दे हैव गिवन यू द डाटा। ओके, देन ई आई इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, वील कॉपी द इमोशनल इंटेलिजेंस डाटा इन द सेकेंड कॉलम एंड आई हैव टेकन इट एज एक्स। मैंने इसे एक्स ले लिया है, सो यू कैन डू द सेम। मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस का डाटा भी एज इट इज कॉपी किया। इन द सेम वे लीडरशिप, सो जो लीडरशिप का स्कोर दिया हुआ है, आई हैव कॉपीड दैट टू। ओके, लीडरशिप को मैंने वाई ले लिया है। फाइन, सो वी गॉट एक्स एंड वी गॉट वाई, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ एक्स नाउ। अब आपको मैंने पहले भी दो वीडियोज में मेंशन कर चुका है, ईदर यू टेक फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। फाइन, सो आई एम टेकिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैं छोटे से बड़े की तरफ जा रही हूँ एंड मेक श्योर दोनों में सेम करो। इफ यू आर टेकिंग रैंक ऑफ एक्स एंड देन इफ यू आर टेकिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन जस्ट टेक इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर रैंक ऑफ वाई टू। फाइन, अब रैंक ऑफ एक्स देख लेते हैं। सबसे छोटी वैल्यू हमारी है 45, सो आई हैव गिवन फर्स्ट रैंक टू इट। देन 55, आई हैव गिवन सेकंड रैंक टू इट। देन 56, आई हैव गिवन थर्ड रैंक टू इट। एंड देन 58, फोर्थ रैंक। 60, फिफ्थ रैंक। 65, सिक्स्थ रैंक। 68, सेवेंथ रैंक। 70, एट्थ रैंक। 75, नाइन्थ रैंक। 80, टेंथ रैंक। एंड 85, इलेवेंथ रैंक। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसे रैंक दे दिया है। इन द सेम वे यू आर गोइंग टू गिव रैंक टू वाई, लीडरशिप के स्कोर को भी आप रैंक दे दो। सो हियर 48 इज स्मॉल, सो फर्स्ट, 50 सेकेंड एंड सो ऑन। इन द सेम वे यू विल कैलकुलेट योर रैंक ऑफ वाई। अब देखेंगे डी इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई। सो डी इज डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई। 11 माइनस 11 0, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, एंड देन 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनus 1 2, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 1। ये तो सबसे ज्यादा इजी कैलकुलेशन था। आई थिंक यू डोंट नीड कैलकुलेटर फॉर दिस। ओके, एंड अब डी का स्क्वायर निकालते हैं। We are going to square this column. 0 ka square 0, square of 1, 1, square of 1, 1, so in the same way 1, 1, 1, 1, and square of 2, 4, square of 0, 0, square of minus 9, 81, and square of 1, 1. Now, here we'll calculate our d square. Hum iska sum nikalenge. We are going to add these values. 0 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 4 plus 0 plus 81 and plus 1. So it makes it 92. So you'll get your sum of d square 92. Now we'll see the formula. This one is untied ranks. Koi bhi rank hamari common nahi hai. Means value koi bhi repeat nahi ki. So this is for untied ranks. The formula says R is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n cube minus n. So n is 11. How n is 11?
नंबर ऑफ केसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. सो दे हैव गिवन डाटा ऑफ 11 पीपल. सो n विल बी 11. देन d square इज 92, विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. सो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6, सिग्मा d square इज 92, n इज 11. सो 11 क्यूब माइनस n इज 11. And when you will calculate it, 1 minus 552 upon, this will be 1320. And when you will divide 552 by 1320, you will get 0.41. So 1 minus 0.41 makes it 0.59. So the value of Spearman rank, so RS, we denote it by RS. R is rank, S is Spearman. So the value of RS is in positive 0.59. So the relation between these two data is positive correlation. So आपको जो ये data दिया था intelligence, emotional intelligence and leadership. So the what is the relation between these? The relation is positive, which means if your emotional intelligence is increasing, then the leadership quality will also increase. If emotional intelligence is decreasing, then the leadership quality will also decrease. Okay, so aapka positive correlation hai, dono ka effect same rahega. This question is of 10 marks. Okay, this is of 10 marks. So there are rare chances that after solving the whole question also you'll score full out of full, because isme aapko steps likhne padenge. In the end you have to write only 4-5 steps, and for the help I have attached one copy here of steps. So what you can do, you can take this screenshot of this. आपने जो किया है उसी को बस इन्होंने explain कर दिया steps में. So you have to do the same. Fine. And don't forget to write interpretation.